बच्चों आज अपन श्वसन के प्रकार पढ़ेंगे। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक का नाम है ऑक्सी श्वसन और एक का नाम होता है अनऑक्सी श्वसन। दो प्रकार का श्वसन होता है, एक का नाम ऑक्सी श्वसन और एक का नाम है अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में चार अंतर पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल आता है कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में चार अंतर बताओ। ठीक है कि भाई ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले तो ये नाम से पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो ऑक्सी श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, तो जैसे ही आपसे पूछा कि ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन में अंतर बताओ, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, यानी ऑक्सीजन इसमें आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरा पॉइंट आपको बताना है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण, जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसके अंदर ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, पूर्ण अपघटन होगा, अपन अपघटन कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, और इसमें अपूर्ण अपघटन होता है, यानी अपूर्ण इसका ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि इसके अंदर अंतिम उत्पाद जो ऑक्सी श्वसन है उसमें अंतिम उत्पाद CO2 और जल बनता है। इसमें अंतिम उत्पाद CO2 व जल बनता है। ठीक है, ये सवाल आता है ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है, CO2 और जल है। इसका अंतिम उत्पाद आप बताओगे एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है। जो अनऑक्सी श्वसन है उसका अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। इसके अंदर 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा, ऊर्जा उत्पादन इसमें ज्यादा होता है और इसमें ऊर्जा का उत्पादन क्या होता है, कम होगा। इसमें ऊर्जा का उत्पादन कम होगा, केवल 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का, 2 एटीपी का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, ये क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जो ऑक्सी श्वसन है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। ये कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर संपन्न होती है, और ये क्रिया है वो केवल आपको बताना है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अब इसके उदाहरण है पादप और जंतु। इसके उदाहरण ऑक्सी श्वसन किसमें होता है, पादप और जंतु कोशिका के अंदर। जो पादप और जंतु कोशिका है उसमें ऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है, अनऑक्सी श्वसन है वो कुछ विशेष प्रकार की परिस्थिति के अंदर, उदाहरण है आपको बताना है जैसे जीवाणु वगैरह, क्या है, जीवाणुओं में अनऑक्सी श्वसन होता है। तो भाई पूछा गया कि ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर बताओ, तो आप बताओ कि ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तब नाम पड़ गया ऑक्सी श्वसन, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तब नाम पड़ गया अनऑक्सी श्वसन। फिर इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा या पूर्ण अपघटन होगा, और इसमें पूर्ण अपघटन होगा, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होगा। इसमें अंतिम उत्पाद CO2 और जल बनेगा, इसमें अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल और CO2 बनेगा। इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बनती है और इसमें केवल 2 एटीपी ऊर्जा का ही निर्माण होता है। अब ये कोशिका द्रव्य और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है। उदाहरण है पादप और जंतु कोशिका, ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। उदाहरण है जीवाणु, क्या है, जीवाणु। एक अभिक्रिया लिखते हैं, अभिक्रिया है C6H12O6। ये ग्लूकोज है, जब इसका ऑक्सी श्वसन हुआ जैसे 6O2, जैसे 6O2 बनेगा क्या, 6CO2 प्लस 6H2O
प्लस ऊर्जा। ऊर्जा कितनी? 38 एटीपी घटी, यानी ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ। अंतिम उत्पाद बने CO2 और जल और ऊर्जा। ऊर्जा कितनी बनी? 38 एटीपी। अनऑक्सी श्वसन की अभिक्रिया है C6H मारा O6, बना क्या? CO2 प्लस एथिल अल्कोहल प्लस 2 एटीपी। क्या बना? तो इसमें अंतिम उत्पाद है वो क्या बना? CO2 और एथिल अल्कोहल। ऊर्जा इसमें कितनी बनी? 2 एटीपी। इसमें ऊर्जा कितनी बनी? 38 एटीपी। तो ये क्रिया आपको याद रखनी, इसमें अंतिम उत्पाद क्या बना? CO2 और जल। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन हुआ, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन हुआ और बना आपके सामने एथिल अल्कोहल और CO2। तो अंतिम उत्पाद क्या बना है अनऑक्सी में? एथिल अल्कोहल और CO2। और इसमें अंतिम उत्पाद बना है CO2 और जल। ये आपको मेन डिफरेंस याद करने।